फिल्म इज प्योरली फिक्शिशियस एंड रिसेम्बलेंस ऑफ दिस फिल्म टू एनी कैरेक्टर प्लेस नेम इज सिंपली अ कोइंसिडेंस नथिंग मोर देन डैट दिस फिल्म इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज इफ द सीन्स इन द फिल्म ऑफ आर और ऑफेंसिव और सम or have some issues, then please contact to director or producer. यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोलर थे तथा इस गाने के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स थी। क्रॉसरोड्स 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी की प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर राल्फा मोइको जॉय सेनका जैमी ग्रेटस स्टीव वाई एंड टीम रॉस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान एड डेविस ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस टैनी वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अभ्युत संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलंबिया पिक्चर्स को भेज दिए गए थे जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उनको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आई एम बी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग सदस्य वर्ष यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो को गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार विली ब्राउन जीवित हैं
और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहाँ उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिल्ली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की उसके पास वास्तव में हो सकते वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैजिक के ग्रामीण विसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिल्ली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन क्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल टेक्नोलॉज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि फ्यूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन जीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई फ्यूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहाँ बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिल्ली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिल्ली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है तो बिली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। बिली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। बिली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है जहाँ मेंटल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए बिल्ली की एक मोजे वैन प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे घिसकाता है जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक कथित लाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार हिस्सों का व्यापार करते हैं जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे की सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है। एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और डेविल बिली को अनुभव को तोड़ देता है। ब्लूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिली और यूजिन को वापस मिसिपिया ले जाया जाता है जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का,
जॉय मॉर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस लिपोंस ने लियोट का, हैरी कैरी ने वार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ एलपोर्ट का, अल्ला एल्बर्ट ने रॉक पैंथर्स का, केशन पाल्मर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने बॉब वॉल्कर का, वाली टॉयलर ने होजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेड रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने विनी एट 70 का, अल्लाह अरब ने आलिन का रूप प्ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंड ट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजीन के शास्त्रीय वादन जो विलियम कैनगाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद्व की विशेषता नहीं है। द्वंद युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वॉल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन और न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीठा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने के उसके पास वास्तव में हो सकते बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण विसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट जैसा कि बिली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था।
बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं? तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी का नाम है क्रॉसओवर। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीत का राइट कोलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। क्रॉसओवर 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म जो ब्लू संगीत का रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जानी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी, और इसमें विलियम कैनगिसर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फा मोइको, जॉय सेनका, जेमी ग्रेटर, स्टीव वाइव एंड टीम रॉस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान या डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर बॉसेस डैनी वॉर्डलर हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अग्रित संगीतकार थे, जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइस मैट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में कोलम्बिया पिक्चर्स को भेज दी गए थे, जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उसको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 out of 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन
नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है, जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने के उसके पास वास्तव में हो सकते बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसीसी से मिलती है, जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान, जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है, दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं, बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो बिली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। बिली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। बिली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है, जहां मेंडल ग्यूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए बिल्ली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक प्रतिक्रिय लाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार जूतों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे की सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है, एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और डेविल बिली को अनुभव को तोड़ देता है, ब्लूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिली और यूजिन को वापस मिसिपिया ले जाया जाता है, जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। उनकी कास्टिंग की बात करें तो राल्फा मांकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने रॉम का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोई मोर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस डिकोंस ने डियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने शेरिफ एल्बोर्ट का, अला एल्बर्ट ने रॉक फ्रांसिस का,
केशव पालमा ने ब्यूटीफुल गर्ल्स डांसर का, अल्फान ने पॉप वॉकर का, वाले टॉयलेट ने ओजो का, टीम रस्ट ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेक्स रोशन ने जॉन मैक्रो का, गेब विल्कन ने विनी एट 70 का, अल्लाह आरिफ ने अलविन का रूप प्ले किया है। फिल्म के साथ एक कॉन्करेंट एल्बम भी जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजीन के शास्त्रीय वादन जो विजन कैनगाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग यूजीन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित है और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजीन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजीन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजीन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजीन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीता से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजीन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने की उसके पास वास्तव में हो सकते बस ट्रिपों को कवर करने के लिए अधिक पैसा उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजी और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन लुज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट जैसा कि बिली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं जहां यूजीन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजीन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फांसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजीन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजीन का दिल टूट जाता है लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजीन को एक पोर्टेबल पिकनोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है जिसके माध्यम से यूजीन अपने पुराने फेडर टेलीकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजीन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला
गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स बाय प्रोटेक्ट नाम। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी का नाम है क्रॉसरोड। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज थी। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। क्रॉसरोड्स 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जानी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हार्मोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार और युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फ माइको जॉय सैनिका जैमी ग्रेटस स्टीव वाइव एंड टीम रस है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान या डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस टैनिंग वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीसर स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अभिरुत संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलंबिया पिक्चर्स को भेज दिए गए थे जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उनको 82% पीपल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 out of 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन और न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी
में ले जाता है जहाँ उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में हो सकते बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण डिसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और विली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट, जैसा कि विली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसीसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। विली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। विली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहाँ विली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। विली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो विली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही विली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो विली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। विली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। विली और यूजिन को एक संगीत भवन में ले जाया जाता है, जहाँ मेंडल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए विली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक कथित लाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार जूतों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे की सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है, एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और डेविल विली को अनुभव को तोड़ देता है, जिसमें की आत्मा को मुक्त कर देता है। विली और यूजिन को वापस मिसिपिया ले जाया जाता है, जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। उनकी कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोई मोर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस डिकोंस ने लियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ एलबोर्ड का, अल्ला एल्बस ने रॉक एंट्रिस का, केसल पालमा ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव कोरकर का, वाले टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेक रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने वी एट 70 का, अल्लाह आरफ ने अलविन का रोल प्ले किया है।
फिल्म के साथ एक संस्करण एल्बम भी जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजीन के शास्त्रीय वादन जो विजन कैनगाचा द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद युद्ध सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग यूजीन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में उसके बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट जैसा कि बिली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर प्रीकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिसिपी के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।
तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रॉसरोड। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोल्डर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 518.39 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। क्रॉसरोड 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी बर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार दत्त युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फा मोइको जॉय सेनका जैमी ग्रेटर स्टीव वाइव एंड टीम रस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेरी ने किया तथा इस मूवी का एडिट फरमान एयर डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस डैनी वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रीसर स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अभिनय संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलंबिया पिक्चर्स को बेच दिए गए थे जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उसको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतरों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार विली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह विली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। विली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीता से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्दी पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में हो सकते वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा है।
उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण डिसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है, जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल सिग्नोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर ग्रैंडमास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन जीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं, बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो बिली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। बिली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। बिली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है, जहां मेंटल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी बेच दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए बिल्ली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार जूतों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे के सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है। एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है, जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और डेविल बिली को अनुभव को तोड़ देता है। ब्लूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिली और यूजिन को वापस मिसिसिपिया ले जाया जाता है, जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। उनकी कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोनेवा, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जॉय मॉर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस डिकोंस ने डियोट का, हैरी कैली ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ हिलफोर्ड का, अला एल्बस ने रॉक फ्रांसिस का, केसल पालमर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव होलकर का, वाली टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टैक रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने ग्री एट 70 का, लार्फ ने आलिन का रूप ले किया है। फिल्म के साथ एक सांप्रेंड एल्बम भी जारी किया गया था, जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजिन के शास्त्रीय वादन, जो विलियन कैनकाचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद्व युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट
एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन और न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार विली ब्राउन जीवित है और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह विली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। विली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीठा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने के इसके पास वास्तव में उसके वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैजिक के ग्रामीण डिसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और विली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट जैसा कि विली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। विली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। विली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहां विली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। विली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो विली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही विली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसा हैं सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रॉसवॉक। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट कोहलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन
डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स थी। क्रॉस रोड्स 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी गर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन क्रूसो द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हीथ द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनिंग स्पीकर द्वारा साप्ताहिक गिटार और सोनी टेरी द्वारा हार्मोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हीथ तथा राइटर जॉन क्रूसो हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलर्जर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर अल्फा मोइको जॉय सेनका जैमी ग्रेटस स्टीव वाइट एंड टीम रॉस है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान एयर डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस टैनिक वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा ब्रिज संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलंबिया पिक्चर्स को भेज दी गए थे जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उसको 82% गूगल व्यूअर्स द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी में ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में हो सकते वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण रिसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट जैसा कि बिली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम
शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक न करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिस से मिलती है, जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। विली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। विली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्पिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां विली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। विली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो विली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही विली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं, बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो विली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। विली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। विली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है, जहां मेंडल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए विली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे घिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक प्रतिलाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार चित्रों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे के शीर्ष को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है, एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और डेविल विली को अनुभव को तोड़ देता है, ब्लूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। विली और यूजिन को वापस मिसिसिपी ले जाया जाता है, जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने रॉम का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोई मॉर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट वुड ने स्कॉट का, स्टीव वाई ने जैक बटलर का, डेनिस डिपोंस ने सियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ एलफोर्ड का, अला एल्बस ने रॉक फ्रांसिस का, केशल पार्मर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव बोरकर का, वाले टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टैग रोशन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने ली एट 70 का, अल्लाह आरिफ ने आलिम का रोल प्ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंडट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था, जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजिन के शास्त्रीय वादन, जो विलियम कैनगाइचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और न कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद युद्ध सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग दृश्य वर्ष यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लूज संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक
प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित है और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने के इसके बाद वास्तव में उसके बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैजिक के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फांसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विग्नोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर कास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रॉसवॉक। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक वॉल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गुलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स थी। क्रॉसवॉक 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेवा और जामी कर्टस अभिनीत
यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हीथ द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हार्मोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हीथ तथा राइटर जॉन फुस्को है। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर अल्फा मोइको जॉय सेनका जैमी ग्रेटस स्टीव वाई एंड टीम रस है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान या डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर माइक ऑर्डर तथा कलर प्रोसेस डैनी वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अभिरुच संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलम्बिया पिक्चर्स को भेज दिए गए थे जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उसको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आई एम बी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टमाटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीठा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी में ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिल्ली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है जैसे कि यह दावा करने के इसके पास वास्तव में हो सकते वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट जैसा कि बिली इसे कहते हैं मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे।
यह जोड़ी 70 वर्ष फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजीन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजीन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। विली यूजीन को एक पोर्टेबल सिग्नोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजीन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। विली यूजीन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचे जहां विली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। विली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो विली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजीन हार जाता है तो यूजीन को अपनी आत्मा को खो देता है। विली के विरोध के बावजूद यूजीन सौदे के लिए सहमत है। विली और यूजीन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है जहाँ मेंटल ड्यूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजीन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए विली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक अधिक लाभ मिलता है। यूजीन और बटलर गिटार के शानदार हिस्सों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे के सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजीन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है। एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और डेविल बिली को अनुभव को तोड़ देता है, ब्लूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिली और यूजीन को वापस मिसिसिपिया ले जाया जाता है जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राजा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोय मोर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट वुड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस लिपोंस ने रियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ एलफोर्ड का, अल्ला एल्बस ने रॉक फ्रांसिस का, केसल पाल्मर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव होल्कर का, वाले टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेड रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने विली एट 70 का, अल्लाह ने आलिन का रूप ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंडट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था, जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजीन के शास्त्रीय वादन जो विलियन कैनगाइचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद्व की विशेषता नहीं है। द्वंद्वयुद्ध सहित वाइका के लिए उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वर्जन में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग दृश्य वर्ष यूजीन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था, माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए
अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है, यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ दूर बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे चीथा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी में ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की उसके पास वास्तव में हो सकते बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा। उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण डिसिप्लिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकनोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर प्रीकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण है, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रॉसवर्ड। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स थी। क्रॉसवर्ड 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी और इसमें विलियम कैनगिसर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार
में शैतान की गुनी किरदार वालक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन क्रिस्पो हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलर्जर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर लाफा मोइको जॉय सेनका जैमी ग्रेटर स्टीव वाइफ एंड टीम रस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट प्रमान एड डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर बॉसेस डैनी कॉर्डलर हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी फ्रीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अभिनय संगीतकार थे, जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइस मैट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलंबिया पिक्चर्स को बेच दिए गए थे, जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। इस मूवी को 82% गूगल यूजर्स द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है, जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने के इसके पास वास्तव में उसके बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण विसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक ज्यूम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज
के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजीन को एक पोर्टेबल सिग्नल एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजीन अपने पुराने फेडर टेलीकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजीन को बताता है कि फ्यूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई भी गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्पिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं, बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है, यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो बिली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजीन हार जाता है तो यूजीन को अपनी आत्मा को खो देता है। बिली के विरोध के बावजूद यूजीन सौदे के लिए सहमत है। बिली और यूजीन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है, जहां मेंटल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी बेच दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजीन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए बिल्ली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक अधिक लाभ मिलता है। यूजीन और बटलर गिटार के शानदार सीटों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे की सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजीन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है, एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और डेविल बिली को अनुभव को तोड़ देता है, यूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिली और यूजीन को वापस मिसिपिया ले जाया जाता है, जहां वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहां वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोई मॉर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस डिकोस ने डियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ एलबोर्ट का, अला एल्बस ने रॉक सैंटिस का, मिशेल पाल्मर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव गोरकर का, वाली टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेक रोसन ने जॉन माइक्रो का, गे विल्कन ने विनी एट 70 का, अल्लाह आरफ ने आलिम का रूप प्ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंडट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था, जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजीन के शास्त्रीय वादन, जो विलियम कैनगाइचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसिस लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग यूजीन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया, साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं,
और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी में ले जाता है जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में हो सकते बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जूम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल सिग्नोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्पिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है क्रॉसवर्ड। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $5.839 million की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। क्रॉसवर्ड 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है, जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी, और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार युद्ध में शैतान की गुणी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलर्जर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फ मैक्सियो, जॉय सेनेगा, जेमी ग्रेटस, स्टीव वाई
एंड टीम रॉस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट अरमान एयर डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर राइकॉर्डर तथा कलर बॉसेस डैनी बॉर्डलर हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी रीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा अग्रित संगीतकार थे, जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालन और रिंग लाडा जूनियर के निकट में एक मास्टर क्लास में एक आइस मैट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलम्बिया पिक्चर्स को भेज दिए गए थे, जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उसको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में क्यूजंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संस्कृत समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित है और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद है। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है, जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्दी पता चलता है कि बिल्ली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की उसके पास वास्तव में उसके बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण डिसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक ज्यूम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसीसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विनोज एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज
बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई भी गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्पिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहाँ विली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। विली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो विली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही विली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं, बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है, यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगटर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है, तो विली को उसकी आत्मा वापस मिल जाती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। विली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। विली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ मेंडल ब्लूज गिटार मास्टर जैक बटलर, जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी, भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए विली की एक मोजे वैन प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है, जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक अधिक लाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार डिस्कों का व्यापार करते हैं, जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे के सीट को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है, एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, और डेविल विली को अनुभव को तोड़ देता है, जिसमें की आत्मा को मुक्त कर देता है। विली और यूजिन को वापस मिस्पिया ले जाया जाता है, जहाँ वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहाँ वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने रॉम का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जोई मोर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट वुड ने स्कॉट का, स्टीव वाई ने जैक बटलर का, डेनिस डिकोंस ने गियोट का, हैरी कैरी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ बिलबोर्ड का, अल्ला एल्बस ने रॉक एंट्रिस का, केसल पालमा ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव बोरकर का, वाले टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टेक रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने विली एट 70 का, अल्लाह अरब ने आलिन का रूप ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंडट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था, जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजिन के शास्त्रीय वादन, जो विलियम कैनगाइचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, और न कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद की विशेषता नहीं है। द्वंद युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एरेसिस लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी की स्टार्टिंग दृश्य वर्ष यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया, साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया, यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है, जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन
नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है, जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी में ले जाता है, जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि बिली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की इसके पास वास्तव में उसके वस्तुओं को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण विसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन लुच विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है अपने संगीत कौशल के कारण। यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय मासी से मिलती है, जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर रिकास्टर की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिसिपिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है, और जो देखकर कहता है कि वो बिली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना है, बिल्कुल जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं आप? तो आज हम जिसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रॉसबो। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक वाल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीत का राइट गोलर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स। क्रॉसरोड्स 1986 अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है, जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो जो सेनेगा और जामी गर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वाल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी, और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी कैरी द्वारा हारमोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार युद्ध में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वाल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलाइजर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फा मोइको, जॉय सेनका, जेमी ग्रेटस, स्टीव वाइन एंड टीम रॉस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेरी ने किया तथा इस मूवी का एडिट प्रमान एयर डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस टैनी वॉर्डलर हैं। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च
1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको एक यात्रा ब्रिज गीतकार थे, जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालंट और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की फिल्में और कोलम्बिया पिक्चर्स को पेश किए गए थे, जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे। उनको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग सदस्य यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लू जॉर्ज गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए, इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार विली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूनतम सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह विली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है, लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। विली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है, लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिपी ले जाता है, जहां उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने के इसके बाद वास्तव में उसके बस ट्रिपों को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ वे मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजी और विली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन ब्लूज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जिम जॉइंट, जैसा कि विली इसे कहते हैं, मैं अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को विली द्वारा लाइटनिंग बॉय उपनाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में विली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। विली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्षीय फ्रांसिसी से मिलती है जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ही यात्रा तैयार रहती है। विली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर कास्टर की भूमिका निभाता है। विली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। विली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई ब्लूज गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्त्रिया के एक
सुनसान चौराहे पर पहुंचते हैं जहाँ बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिल्ली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है दिखाता है और जो देखकर कहता है कि वो बिल्ली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिल्ली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। यूजिन ये मानते हुए कि अन्य दो मजाक कर रहे हैं बातचीत में कदम रखते हैं। द डेविल एक चुनौती पेश करता है। यूजिन एक विशेष संगीत कार्यक्रम में आ सकता है और अपने रिंगस्टर गिटार वादक के खिलाफ गिटार की लड़ाई जीत सकता है तो विली को उसकी आत्मा वापस मिल सकती है। यदि यूजिन हार जाता है तो यूजिन को अपनी आत्मा को खो देता है। विली के विरोध के बावजूद यूजिन सौदे के लिए सहमत है। विली और यूजिन को एक संगीत हॉल में ले जाया जाता है जहाँ मेंटल व्यूज गिटार मास्टर जैक बटलर जिन्होंने संगीत क्षमता के लिए अपनी आत्मा भी भेज दी भीड़ को अपने कौशल के लिए आकर्षित कर रहे हैं। यूजिन अब स्थिति को समझते हुए अपनी जेब में रखे हुए बिल्ली की एक मोजे बैंक प्राप्त करता है और अपनी स्लाइड को आगे खिसकाता है जिससे उसे अपनी प्रतिद्वंदी का एक प्रतिलाभ मिलता है। यूजिन और बटलर गिटार के शानदार जुत्तों का व्यापार करते हैं जिसमें से प्रत्येक एक दूसरे के सीज को रखने में सक्षम है। अंततः यूजिन अपने शास्त्रीय प्रशिक्षण का वापस आ जाता है। एक तेज और कठिन टुकड़ा खेल रहा है जिसे बटलर मेल नहीं कर सकता। निराश होकर बटलर अपना गिटार छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है और डेविल बिल्ली को अनुभव को तोड़ देता है। यूजमैन की आत्मा को मुक्त कर देता है। बिल्ली और यूजिन को वापस मिसिसिपी ले जाया जाता है जहाँ वे फिर चलना शुरू करते हैं। उन शहरों की बात करते हैं जहाँ वे जाने की योजना बना रहे थे। इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। मूवी की कास्टिंग की बात करें तो राल्फा माकियो ने मार्टोने का, जोई सैनिको ने ब्राउन का, जैमी ग्रेटन ने फ्रांसिस का, जॉय मॉर्टन ने स्कॉट असिस्टेंट का, रॉबर्ट रूड ने स्कॉट का, स्टीव वाय ने जैक बटलर का, डेनिस लिपोंस ने डियोट का, हैरी कैटी ने बार्टन का, जॉन हैंक ने सैरिफ डेलफोर्ड का, अला एल्बस ने डॉक सैंटिस का, केसल पालमर ने ब्यूटीफुल गर्ल डांसर का, एल्फॉन ने पाव होरकर का, वाले टॉयलर ने ओजो का, टीम रस ने रॉबर्ट जॉनसन का, टैक रोसन ने जॉन मैक्रो का, गे विल्कन ने ली एट 70 का, अला आरिफ ने आलिम का रोल प्ले किया है। फिल्म के साथ एक साउंडट्रैक एल्बम भी जारी किया गया था जिसमें फिल्म के संगीत के 37 मिनट शामिल थे। एल्बम में यूजिन के शास्त्रीय वादन जो विलियम कैनकाइचर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और ना कि जैक बटलर के साथ अंतिम द्वंद्व की विशेषता नहीं है। द्वंद्व युग सहित वाई का खेल उन्होंने एल्बम द एलिसन लाइट एंड साउंड वैल्यूम में दिखाया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सदस्य यूजिन मार्टिन को न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया, साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को कतारों पर शोध किया। यह सीखते हुए कि जॉनसन के लंबे समय के दोस्त संगीतकार बिली ब्राउन जीवित हैं और पास के न्यूटन सुरक्षा अस्पताल में हत्या या हत्या के प्रयास के लिए कैद हैं। यूजिन बुजुर्ग व्यक्ति को देखने जाता है जो कई बार इस बात से इनकार करता है कि वह बिली ब्राउन है। यूजिन को कुछ ब्लू बजाते हुए सुनने के बाद वह अंत अपनी पहचान स्वीकार करता है लेकिन नोट करता है कि यूजिन बिना आत्मा के खेलता है। बिली फिर कहता है कि वह लापता रॉबर्ट जॉनसन की धुन को जानता है लेकिन यूजिन को इसे देने से इनकार कर देता है जब तक कि लड़का उसे सीधा से बाहर ना कर देता और उसे मिसिसिपी में ले जाता है। द
जहाँ उसके पास बसने का एक अधूरा व्यवसाय है। यूजिन सहमत है और वे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लड़के को जल्द ही पता चलता है कि विली लगातार छोटे मोटे घोटाले कर रहा है, जैसे कि यह दावा करने की उसके पास वास्तव में उसके बस को कवर करने के लिए अधिक पैसा है। उन पर केवल $40 के साथ भी मैसिव के ग्रामीण रेसिपिया तक होबिंग समाप्त करते हैं। अपनी खोज के दौरान यूजिन और बिली पहली बार रॉबर्ट जॉनसन लुज विरासत का अनुभव करते हैं। एक जंक जॉइंट, जैसा कि बिली इसे कहते हैं, में अचानक जाम शस्त्र में भाग लेते हैं, जहां यूजिन को बिली द्वारा लाइटनिंग बॉय नाम दिया जाता है। अपने संगीत कौशल के कारण यूजिन मजाक में बिली को सुझाव देता है कि उसे खुद अपनी आत्मा को चौराहे पर शैतान को भेज देना चाहिए। बिली गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और मांग करता है कि वह इसके बारे में मजाक ना करे। यह जोड़ी 70 वर्ष से मांस से मिलती है, जो अपने अपमानजनक सौतेले पिता से भाग रही है। वह एक सहयात्री है और वह यूजिन एक रिश्ता शुरू करते हुए है। जब वह उन्हें छोड़ देती है तो अपनी यात्रा जारी रखने के लिए यूजिन का दिल टूट जाता है, लेकिन ब्लूज के लिए एक गहरी भावना के साथ ये यात्रा तैयार रहती है। बिली यूजिन को एक पोर्टेबल विकास एम्पलीफायर खरीदने में मदद करता है, जिसके माध्यम से यूजिन अपने पुराने फेडर विकास की भूमिका निभाता है। बिली यूजिन को बताता है कि ब्लूज बजाने का रहस्य एक स्लाइड का उपयोग करना है। बिली के स्वीकार किया कि कोई लापता जॉनसन गीत नहीं है, लेकिन लड़के को बताता है कि उसके खुद को इतना साबित कर दिया है कि उसे कोई भी गाना उसे कभी सिखा जा सकता है। वे ग्रामीण मिस्त्रिया के एक सुनसान चौराहे पर पहुंचे, जहां बिली अपने रहस्य का खुलासा किया। हारमोनिका पर उसकी क्षमता शैतान के साथ एक सौदे के कारण आई, जिसे उसने इसी स्थान पर बनाया था। बिल्ली को अब सौदा खत्म होने की उम्मीद है। शैतान, जो खुद को स्क्रैच और लैम्बा कहता है, आता है और जो देखकर कहता है कि वो बिल्ली की आत्मा के लिए अनुभव अभी भी मान्य है, भले ही बिल्ली इस बात से संतुष्ट है कि उसका जीवन कैसा निकला। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करने में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपने अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड नोट्स गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रॉस रोड। यह मूवी 14 मार्च 1986 को रिलीज है। इस मूवी के निर्देशक वॉल्टर हिल थे। इस मूवी के संगीतकार राइट गोल्डर थे तथा इस कहानी के पटकथा जॉन फुस्के थे। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5.839 मिलियन डॉलर की कमाई करी। इस मूवी की निर्माण कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स और ट्राइक स्टार पिक्चर्स और कोलंबिया एंटरटेनमेंट पिक्चर्स थी। क्रॉस रोड्स 1986 की अमेरिकी संगीत ड्रामा फिल्म है, जो ब्लू संगीतकार रॉबर्ट जॉनसन की किंवदंती से प्रेरित है। राल्फ मैक्सियो, जो सेनेगा और जामी कर्टस अभिनीत थी। यह फिल्म जॉन फुस्को द्वारा लिखी गई थी और वॉल्टर हिल द्वारा निर्देशित थी, और इसमें विलियम कैनिंगर द्वारा शास्त्रीय गिटार और सोनी टेरी द्वारा हार्मोनिक की विशेषता वाले राय कोडर का मूल स्कोर है। स्टीव वार्ड फिल्म में क्लाइमेटिक गिटार में शैतान की गुनी गिटार वादक के रूप में दिखाई देते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर वॉल्टर हिल तथा राइटर जॉन फुस्को हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर मार्क एलर्जर तथा इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर राल्फा मोइको, जॉय सेनका, जैमी ग्रेटस, स्टीव वाई एंड टीम रॉस हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी जॉन बेली ने की है तथा इस मूवी का एडिट फरमान या डेविस ने किया। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डर तथा कलर प्रोसेस डैनी वॉर्डलर है। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा किया गया है। इस मूवी का मुख्य तौर पर 14 मार्च 1986 को इंग्लिश भाषा में रिलीज किया गया। इस मूवी ने 58,39,000 डॉलर की कमाई करी। इस मूवी ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल भी जीता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लेने से पहले उसको
एक यात्रा वृत्त संगीतकार थे जहां उन्हें पटकथा लेखन के दिग्गज वाल्डो सालंट और रिंग लाडा जूनियर के नेतृत्व में एक मास्टर क्लास में एक आइसमेंट के रूप में चढ़ाव में लिखा गया था। छात्र पटकथा ने राष्ट्रीय स्तर पर हमला पहला स्थान हासिल किया। फोकस अवार्ड कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों की कोलम्बिया पिक्चर को भेज दिए गए थे, जबकि उसको अभी भी एक छात्र थे उनको 82% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया था। वहीं इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 थी और रोटेन टोमेटो पर 75% फ्रेश। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग दृश्य वर्ष यूजिन मार्टिन और न्यूयॉर्क शहर के जूलियार्ड स्कूल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में शास्त्रीय गिटार पर अध्ययन करते हुए ब्लू संगीत का शौक है। ब्लूज और गिटार संगीत का शोध करने से प्रसिद्ध रॉबर्ट जॉनसन की पौराणिक रचनात्मक प्रशंसा उनके ध्यान में आई। जॉनसन इतने प्रतिभाशाली कैसे बन गए इसके बारे में किंवदंती विशेष रूप से दिलचस्प है। विशेष रूप से यह दावा करने वाला कि उन्हें अपनी आत्मा को चढ़ाए और शैतान को बेच दिया। साथ ही एक प्रसिद्ध लापता गीत जो खो गया था माना जाता है कि हमेशा के लिए दुनिया के लिए अंधेरे में उतार देता है। इस गीत की खोजने की अपनी खोज में उन्होंने पुराने संग्रहित समाचार पत्रों को पत्रों पर शोध किया। यह सीखते हुए